हेलो बच्चों अच्छा कोशिश बच्चों करिए। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको। और बताइए सबको। मैम आपकी फोटो नहीं आ रही है। आ जाएगी, अभी फोटो आएगी। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है बच्चों? यस मैम। चलिए यस मैम। हाँ चलिए, अब आ रही है फोटो भी? आ गई। यस मैम। चलिए आप लोगों को जो हम एक्टिविटी बताए थे हिंदी की, सभी बच्चों को समझ में आ गई है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सबको समझ में आया? तो आप लोगों ने कुछ किया अभी तक? यस यस मैम। तो क्या समझ में आया बताइए आप लोगों को? मैं कागज पर साइड में उस वो कविता का ड्राइंग बना के उसके बगल में लिख देना है। एक एक बच्चा बताओ बेटा, ऐसे कंफ्यूज रहेंगे ना, किसको समझ में आया कि नहीं। एक एक बच्चा बताएं। हाँ, चार्ट पेपर में 8 लाइन कविता लिखना है और ड्राइंग बनाना है। वेरी गुड। और क्या करना है उसके बाद? और कलर करना है। वेरी गुड। कलर करके फिर आपको क्या करना है, जब आप काम कर रहे होगे तो उसकी एक फोटो क्लिक कर लेना, ठीक, काम करते हुए जो आप कर रहे हो। और फिर उसके बाद पोयम याद कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, कविता 8 लाइन की याद कर लीजिए। और एक वीडियो बनाना है, यही करना ना बेटा आप लोग को? यस यस। चलिए, और ये वाला काम हो गया। एक और काम दिए थे ना आप लोग को? यस मैम। यस मैम। कौन सा काम बताइए? हाँ ये वाला, ये वाला, इसको कर लियो हो कलर? यस मैम कर लिए। कर ली। चलिए दिखाइए कौन कौन किया है। एक एक बच्चा, एक एक बच्चा दिखाइए। पहले क्यों नहीं ला कलर? अच्छा एक ये बताएंगे बेटा, एक बात बताओ, रेडमी कौन है? रेडमी 9A कौन है? प्रीति रॉय। प्रीति रॉय। बहुत सुंदर। नेक्स्ट शिवम। यस मैम। ऊपर कीजिए, ऊपर ऊपर। देवप्रिया। अच्छा आपके पास नहीं, कोई बात नहीं। रेड, ये प्रीति। यस मैम। आप दिखाइए। क्या हुआ बेटा, दिखाओ। आप लोग भी कर लिए हो? नो मैम। क्यों मैम? हाँ बोलो बेटा। क्या हुआ, बुक नहीं है क्या मैम? है ये है। ये वही है ना, क्या है, शादी है। शिवम ने दिखाया है, त्रिशा ने दिखाया है, बस दो बच्चे, बाकी देवप्रिया के पास बुक नहीं है।
बात नहीं। और कोई बच्चा? कृति तुमने की हो? बेटा नहीं फिल की हो अभी इसको, ये वाला रंग कीजिए वाला। मैम मेरे पास थोड़ा ही कलर था। कोई बात नहीं बेटा, इसे दो कलर की जरूरत है, पिंक और ग्रीन, या फिर रेड या ग्रीन कर लेती। नहीं आपके पास कलर ऐसा? यस मैम। ठीक है, पिंक और ग्रीन करना है, चाहे लाइट ग्रीन हो चाहे डार्क ग्रीन हो, लाइट पिंक हो या डार्क पिंक हो। ठीक है, कमल का जो कलर होता है वो कैसा होता है? पिंक पे होता है ना, चाहे वो डार्क हो चाहे लाइट हो। ठीक है, कोई इसमें परेशान मत हुआ करो, कलर नहीं है। ठीक है, जो आपके पास है कलर आप उसको यूज करके कीजिए। ठीक है बेटा। विहान, विहान आपके पास? मैम भूल गया, भूल गए लिखना नहीं है अभी, ये चीज याद रखिए, अभी कुछ भी नहीं भेजना है। ठीक है, आप बस अभी करके चलिए। तो आप लोगों को ये बताइए, लिटरेचर में सभी दोनों चैप्टर पूरा हो गया है, इसमें आपको कुछ, इसमें आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सभी लोग क्वेश्चन आंसर कर लिए हो? यस मैम। जितने एक्सरसाइज सब हो गया है? चलो अच्छा ये बताओ, ये वाली बुक है आप लोगों के पास? यस मैम है। तो कहाँ तक किए हो आप लोग इसमें? कहाँ तक किए हो बताओ? दिखाइए बच्चों, कहाँ तक आपने किए? पेज नंबर बताइए, पेज नंबर, पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 16। याद रखती हो? यस मैम। चलिए वेरी गुड मिस प्रीति, बाकी शिवम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नित्या। शिवम आप कहाँ तक किए हो? मेरा 90 तक हुआ है। कौन बच्चे है? प्रीता। मेरा 17 तक। शिवम मेरा 17 तक। वेरी गुड। नित्या बेटा किया करो, एक एक पेज रोज करो। ठीक है नित्या, समझ में आ रही बात बेटा? समझ में आ रही ना? पढ़ाई भी देखो करना जरूरी है, एक एक पेज ही करो, हम ये नहीं कह रहे रोज रोज करो। आपको जब टाइम मिलता है फ्री टाइम, आप एक पेज राइटिंग करो, इससे क्या होगा आपकी राइटिंग में भी सुधार होगा, आप लिखने का तरीका भी सीखोगे कि किसके अक्षर को किस तरह से लिखा जाता है। फिर उसके बाद देखो एक बात ये भी याद रखना, इसमें सिर्फ आपको इसको फिल नहीं करना है। ठीक है कि आपने राइटिंग आपको लिखा है तो आपने राइटिंग बस लिखना स्टार्ट कर दिया। एक चीज ध्यान दीजिए, जो इसमें लिखा है इसको जब आप पढ़ेंगे तो ये आपकी नॉलेज की चीज है। ध्यान दिए हो कि नहीं? जब इसको लिख रहे थे तो जब पढ़े थे आप लोग ध्यान दिए थे इस बात का? Yes, तो जैसे पेज नंबर 3 पे लिखा है कि गाय का दूध शरीर के लिए लाभकारी होता है। आप राइटिंग तो कर रहे हो लेकिन क्या है आपको एक नॉलेज भी मिल रही है। ठीक है, तो इसी तरह जब
नेक्स्ट पेज पे जैसे फिफ्थ पे है, एशियन शेर केवल गुजरात में पाए जाते हैं। क्या आपको पता था कि गुजरात में कौन वाला शेर पाया जाता है? बताइए। इसके पहले क्या पता था? एशियन शेर नहीं पता था ना। जब आप लोग इसको जैसे अब नेक्स्ट है सेवेंथ पेज पे, कोयल को कोकिला भी कहा जाता है। ये बताइए प्रीति, प्रीति क्या आपको पता था कि कोकिला किसे कहा गया है? यस मैम, कोयल को। जब आप इसी तरह लिखोगे, हाँ बोलो। अभी क्या लिखना है? कैसे बेटा? अभी क्या लिखना है, शेर वाला या वो कोयल वाला? आपने इस बुक में, ये जो बुक है दिख रही है? ये बुक दिख रही है आपको? यस मैम। इस बुक में आपने कहाँ तक किया है? पेज नंबर फोर। पेज नंबर फोर तक। तो देखो बाकी बच्चों ने 16 या 17 तक किया है। क्यों? तो आप भी लगभग 10 तक को कर लीजिए, ठीक है? आपको सिर्फ हाँ क्या रहे हैं? क्या हैं? देखो कोई ऐसा नहीं कि पूरी बुक फिल करनी है आपको। ये मत कीजिएगा आप हर दिन की डेट डाल के एक दिन पे काम कीजिएगा, क्योंकि डेट भी जरूरी है। हाँ नित्य आज कर लीजिएगा। चलिए हम आप लोगों से कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है? देखिए आप लोगों की तैयारी क्या चल रही है इस टाइम फर्स्ट सेकंड चैप्टर में। कविता किसको किसको याद है? मैं मुझे। एक बच्चा बोलेगा बिना बुक देखे। बिना बुक देखे जिस बच्चों को याद है, जो बच्चे कहें हमें याद है, वो बिना बुक देखे बोलेंगे, ठीक है? चलिए आप बोलिए, हम यहाँ लिखेंगे। पहले शिवम आप स्टार्ट कीजिए, आपको कविता याद है? शिवम। यस मैम। कौन सी वाली? अभी तक बेटा कौन सी पढ़ाए हैं? हुआ सवेरा ना, बस तो यही वाली आप बताइए। आप बोलिए हम लिखते हैं, ठीक है? उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी वायु मुंह डोलो, समंदर फूले उनके ऊपर पौधे झूले, चिड़िया चहे कुठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। भोर हुआ सूरज उगाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई, इतना सुंदर समय मत खो मेरे प्यारे अब मत सो। किसके द्वारा रचित है ये, किसने लिखा है? मैम मैंने। अरे शिवम बेटा, ये लिखने की नहीं बात कर रहे हैं कॉपी में, इस कविता को किसने लिखा है? शिवम ने लिखा है। वाह, इनके लेख कवि का नाम बताओ, लेखक का किसने लिखा है? उपाध्याय। अभी तुमने बोल दिया, हमने तो सब बच्चे ये शिवम जानते कि शिवम ने लिखा है कविता को। चलिए नेक्स्ट है ये रेडमी। रेडमी कौन है? प्रीति बताइए। कविता बोलिए। चलिए मैं। हाँ बेटा रेडमी कौन है? हम रेडमी कौन है इस टाइम? वही बोले। चलो हाँ चलो
उठो लाला बाके खोलो पानी लाई हूँ मुँह धोलो, बीती रात कमल दल फूले उनपे भबरे झूले, चिड़िया चहक रही है पेड़ों पर हवा बहने लगी अति सुंदर। बेटा बेटा रुको रुको, कविता ऐसे स्पीड में नहीं पढ़ा जाता, ठीक है? एक एक लाइन आराम से पढ़ा जाता है, ठीक है कृति? तो एक एक लाइन आराम से पढ़िए, बताइए। उठो लाला बाके खोलो पाली नायु मुँह धोलो, बीती रात कमल दल फूले उनपे भबरे झूले, हवा बहने लगी अति सुंदर। एक लाइन खा गई, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, ना ये भी है ना। नब में न्यारी लाड़ी छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, भोर हुआ सूरज गया जल में पड़ी सुनहरी छाया, नन्नी नन्नी किरने आई फूल खिले कलियां मुस्कुराए, इतना सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट। नित्या क्या कर रही बेटा? बैठो आराम से बैठ के पढ़ा करो। चलो बताओ कविता याद है तुम्हें नित्या? कविता बोलो। देवप्रिया देखो प्रिया आपने कविता लिखी है? नो मैम। बेटा क्यों नहीं लिखी? आपके पास बुक नहीं है ना, तो आप उस पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, देखो उसमें जब कविता बोले हैं तो उसी को सुनकर लिख लो, ठीक है? ओके ओके मैम, मुझे भी अच्छे ध्यान नहीं है। क्या चीज नित्या? मुझे भी अच्छे से याद नहीं है। तुम्हें कविता नहीं याद है? मैं सुनाऊं? हाँ सुनाओ। विमान ना अभी लाइन से चल रहे थे ना, लाइन से चल रहे। त्रिशा आप बताएं, त्रिशा माइक ऑन करो बेटा। उठो लाल अब खोलो पानी मुंह खोलो, बीती रात कमल दल फूले उनके ऊपर भवरे झूले, चिड़िया चाक उठी पेड़ों पर बाने लगी हवा अति सुंदर, नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, भोर हुआ सूरज उगाया कल में पड़ी सुनहरी छाया, नन्नी नन्नी किरणे आई फूल खिले कलियां मुस्काए, इतना सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो। ठीक है अविका मिश्रा, अविका माइक ऑन करो। विहान बेटा आप दो लोग हो ना यहाँ पे, विहान और नक्ष दो लोग हो ना? यस मैम। तो कैसे जानेंगे कौन विहान है कौन नक्ष है? वीडियो ऑन करो तो पता चल जाएगा कौन है कौन है। मैं विहान और तुम नक्ष, जो रहा भाई हो तुम लोग ना। यस मैम। अब कंफ्यूज हो जाएंगे तो कहना मत, ठीक है? चलिए विहान नक्ष, तो पहले विहान बताइए। देखो प्रिया हाँ बोलो बोलो विहान बोलो। कैसे एक लाइन हम लोग को याद है? दोनों को याद है तो दोनों साथ में बोलो। मैं तो लिख भी रहा हूँ वही जो आपने बताया बोले थे। वेरी गुड, अच्छा विहान पहले आप बोलो, ठीक है? अच्छा एक मिनट बच्चों, एक मिनट दो मिनट रुकना जरा, हम देवो प्रिया से बात कर रहे हैं। देवो प्रिया। यस मैम। आपने कविता नहीं लिखी है ना? नो मैम। तो देखो अभी बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है? हम यहाँ पे लिख रहे हैं,
आप उसे कॉपी में नोट करते चलो, ठीक है? समझ गई? चलो बिहान बोलो, हम लिखते हैं यहाँ पे। धीरे 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 हम लिखे, हमें लिखना चाहिए ना। उठो लाल, बोलो अब आंखें पानी लाई हूँ, मुँह धो लो, बीती रात कमल दल फूले भौरे झूले उनके ऊपर भवरे झूले चिड़िया उठी पेड़ों पर हवा अति सुंदर बहने लगी, हवा अति सुंदर। देखो प्रिया एक मिनट बेटा रुको, नहीं नहीं बेटा रुको रुको, देखो प्रिया यस मैम लिख रही हो ना बेटा? यस मैम लिखो जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है? जहाँ नहीं दिखेगा जहाँ नहीं समझ में आएगा बस पूछ लीजिएगा, लिख के बताओ, ठीक है? मैम बस जितनी उन्हें आप बोलो उतना ही लिख ली नित्या बेटा, उसमें तो है। देवो प्रिया आप करके जल्दी से बताइए, फिर नेक्स्ट लाइन हम लिखवा देते हैं। हो गया देखो प्रिया? नो मैम। बेटा फास्ट लिखो, ठीक है? चलो देखो प्रिया इतना लिखती है ना हम, ठीक है? यस मैम। जब आप यूट्यूब पे जाओगे तो ये लाइन लिखी होगी, हम नेक्स्ट लाइन लिखवा रहे हैं आपको, ठीक है? यस मैम। अभी किसने बोला था? बिहान ने बोला था ना? यस मैम। अब नक्श बोलो। फिर बिहान नक्श ने बोला। नहीं 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 गलत बात, बिहान हम जान गए तुम येलो टी शर्ट वाले हो, व्हाइट वाला नक्श है, तो नक्श बोलो बोलो शुरू से। नहीं नहीं जहाँ से बिहान ने छोड़ा है वहां से बोलो, जहाँ से खत्म किया है वहां से बोलो। याद है ऊपर से? नहीं नहीं लास्ट में बोलो, नब में। अच्छा नब में न्यारी लाली छाई, लाली छाई धरती ने प्यारी प्यारी छवि पाई, भोर हुआ सूरज उगाया, जल में
पढ़िए सुनहरी छाया नन्ही 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 किरणे आई बोलो बैठ गए तुम लोग अब मैं उससे आगे हम लोग अच्छा कोई बात नहीं यहाँ तक लिखा नन्नी नन्नी किरणें आई फूल खिले अच्छा बुक से देख के बोल दो बुक से देख के बोलो फूल खिले फूल खिले फूल खिले फूल खिले कलियां मुस्काई फिर उसके बाद इतना सुंदर समय ना सुंदर समय ना को मेरे प्यारे अगमस चलिए लिख लो